हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो आज की डेट है 12th अक्टूबर ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछे थे। पहला क्वेश्चन है कि बताइए एल साल्वाडोर की कैपिटल और करेंसी क्या है। तो जैसा कि आप ये मैप पे देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है सैन साल्वाडोर और इसकी करेंसी की बात करते हैं तो वह यूएस डॉलर, और इसकी लोकेशन बेसिकली आपको नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में नजर आएगी। अगर आप देख सकते हैं रिसेंटली न्यूज में क्यों था, तो यूएस ने और एल साल्वाडोर ने बेसिकली अग्रीमेंट साइन किया जिसके अंतर्गत जो है यहाँ पे कुछ माइग्रेंट्स को जो है एल साल्वाडोर भेजा जा सकता है फॉर असाइलम। तो यहाँ पे ये जो अग्रीमेंट है साइन हुआ है लेकिन इसे अभी भी इफेक्टिव नहीं किया गया है। अगर मान लीजिए आप मेक्सिको से या फिर मान लीजिए गुटेमाला से अगर एंटर कर रहे हैं यूएस में और असाइलम सीक कर रहे हैं तो आपको जो है एल साल्वाडोर भेजा जा सकता है अंडर दिस अग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट इज सेट टू गेट इट सेवेंथ टाइगर रिजर्व नेम्ड एज राटापानी टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टाइगर रिजर्व है आपको नजर आएगा मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज की। एडिटोरियल पेज पे लेफ्ट साइड पहला आर्टिकल यहाँ पे पीएमसी यानी कि पंजाब महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव बैंक है उससे रिलेटेड यह आर्टिकल आया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स पे यहाँ पे डुअल रेगुलेशन होता है स्टेट का और उसके बाद आरबीआई का। तो डुअल रेगुलेशन के क्या प्रॉब्लम होते हैं और आरबीआई को किस तरीके से चेंजेस करने पड़ेंगे आने वाले सालों में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे ये वाला आर्टिकल टर्की और इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड है। आपको पता है टर्की ने सीरिया पे अटैक किया है तो उसके बारे में जो है यहाँ पे इंडिया ने स्टेटमेंट रिलीज किए हैं। यूजुअली जो है इंडिया तभी स्टेटमेंट रिलीज करता है जब आसपास की कोई नेबरिंग कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो और उससे इंडिया को कोई अफेक्ट होना है, तभी जो है इनिशियल स्टेटमेंट जल्दी आते हैं। लेकिन टर्की के लिए यहाँ पे इतना इमीडिएट यहाँ पे जो है स्टेटमेंट देना क्यों यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और क्यों उन्होंने रिलीज किए हैं स्टेटमेंट्स, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल हम जानेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल यहाँ पे मैरीकॉम जी के बारे में आया हुआ है, तो इट इज़ अश्योर दैट कि उनको यहाँ पे जो है 8th वर्ल्ड मेडल मिलने वाला है, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल आया हुआ है और ये बेसिकली एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होगा क्योंकि किसी को भी जो यहाँ पे वर्ल्ड यहाँ पे बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है 8 मेडल्स का जो क्रेडिट है वो नहीं गया है किसी को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंडर कौन कौन सी वेट कैटेगरी ये फाइट करते हैं, क्योंकि इस पर भी एक बार जो है सीडीएस पे क्वेश्चन बन चुका है। यहाँ पे सेंटर में जो आर्टिकल है बेसिकली इकोनॉमिक स्लोडाउन से आया है। यहाँ पे यूजुअली डिस्कशन होता है जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हम फेस कर रहे हैं क्या वो स्ट्रक्चरल है या फिर साइक्लिकल है, तो इस स्ट्रक्चरल साइक्लिकल में क्या डिफरेंस है, और यूजुअली माना जाता है कि स्ट्रक्चरल है तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। नीचे वाला आर्टिकल कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हर कंट्री जो है अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से अगर पढ़ाना शुरू कर देता तो काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल जाती, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो है काफ़ी सारी साउथ एशियन कंट्रीज जो है इंटरेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेज पे ये वाला आर्टिकल जो है सिविक नेशनलिज्म से रिलेटेड है। तो सिविक नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है और किस तरीके से इस पूरे टर्म को चैंपियन किया गया था इवन ब्रिटिश पीरियड में गांधीजी और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, उसके बाद यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तब नेहरू और अंबेडकर जी थे तो उन्होंने भी एम्फोसिस किया था कि सिविक नेशनलिज्म जो है यहाँ पे होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है और किस तरीके से इसे फॉलो किया जा रहा है उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे इस आर्टिकल में। नेक्स्ट ये वाला आर्टिकल कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं डिटेल वाइज में, बेसिकली बोला जा रहा है कि मोब लिंचिंग का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसिडेंसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली स्टेटमेंट दिया गया कि लिंचिंग एज अ वर्ड जो है इसका कोई पैरेलल सिलाने बेसिकली जो है ट्रांसलेशन आपको बाकी रीजनल लैंग्वेज में नहीं नजर आएगा। तो बेसिकली लिंचिंग एज अ टर्म ही अननोन है हमारी कंट्री के लिए, लेकिन हमारी कंट्री में मोब लिंचिंग काफी ज्यादा होती है, बेसिकली उसी चीज को यहाँ पे दोहराया गया है। थोड़ा सा बस ओवरव्यू लेंगे इस आर्टिकल का। नीचे ये वाला आर्टिकल जो है बेसिकली अरे डिपो का जो पूरा एपिसोड है उसमें जो दो यहाँ पे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ नहीं काटने चाहिए और दूसरे लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देख रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, ये जो मेट्रो रेल बनने वाला है इससे जो है जो व्हीकल पोल्यूशन इस वक्त हो रहा है जो कि यहाँ पे रोड्स पे कार चल रही है तो वो जो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी, तो क्या फायदेमंद है, क्या यहाँ पे ट्रीज काटना इस वक्त फायदेमंद है फॉर द लॉन्ग टर्म विजन, तो उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हम जानेंगे इस आर्टिकल में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो हम कॉन्टिनेंट वाइज जा रहे हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट जो हम पहले कवर कर रहे हैं।
कल हमने बेसिकली ब्रुनाई डिस्कस किया था, तो आज की जो कंट्री है वो है बेसिकली कंबोडिया। कंबोडिया की लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आसपास की कंट्रीज देखिए जो बॉर्डर करता है, इसकी थाईलैंड है, लाओस है और वियतनाम है। अगर इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो वो है बेसिकली फेनोम फेन। एक और जगह है जो काफी न्यूज में थी यहाँ पे इसी साल फरवरी के महीने में, तो वो है बेसिकली अंकोर। इसकी लोकेशन भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिस्टोरिकली अंकोर काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा और देखेंगे। उससे पहले अगर बात करते हैं करेंसी ऑफ कंबोडिया, तो वो है बेसिकली कंबोडियन रियाल। अब यहाँ पे अंकोर सिटी जो कि कंबोडिया में आपको नजर आएगी, उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें जान सकते हैं। जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, बेसिकली एंशियंट कैपिटल था यहाँ पे खाइमर एम्पायर का, और ये बेसिकली जो अंकोर सिटी है बेसिकली यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है बिकॉज ऑफ अंकोर वट। अंकोर वट की कुछ इमेजेस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड में भी गिना जाता है। अब बात करते हैं पहले आर्टिकल की। पहले आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो पीएमसी में इस वक्त हो रहा है और जो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, इससे हम क्या चीजें सीख सकते हैं, और जो रिसेंटली इतने सारे फाइनेंशियल सेक्टर में जो स्कैम्स हुआ है, अब उसमें आरबीआई क्या क्या चीजें अब चेंज कर सकते हैं, अपने पूरे गेम को कैसे उसे अपग्रेड करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। अगर हम बात करते हैं लास्ट 3 और 4 बेसिकली जो मंथ्स में जो है, हमने काफी सारे क्राइसिस देखे हैं, जिसकी अगर हम बात करते हैं पीएनबी का क्राइसिस हो सकता है, आईएलएफएस का क्राइसिस है, इवन काफी सारे प्राइवेट बैंक्स में यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिला है, इंक्लूडिंग जो है पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसका एक रीजन तो यहाँ पे पुअर गवर्नेंस ऑफकोर्स है, उसके अलावा यहाँ पे फ्रॉडेंट प्रैक्टिसेस की गई थी, और सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो सुपरवाइजरी रोल यहाँ पे आरबीआई का है, तो उसने उसे ठीक से नहीं दोहराया, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगली बात करते हैं कि जिस तरीके से आरबीआई ने इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है, वो भी काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि आईएलएफएस में जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिला था मैनेजमेंट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ बैंक में, उसी तरीके से पीएमसी में भी सेम ही प्रॉब्लम देखने को मिली है। क्योंकि उन्होंने ज्यादातर जो लोन है यहाँ पे एक सिंगल फर्म को दिया हुआ था, एसडीआईएल को, जो कि ऑलरेडी जो है इंस्टॉलमेंट माना गया था बाकी कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। तो ये जो प्रॉब्लम दिखाई गई थी, उसे जो है ठीक से आरबीआई ने हैंडल नहीं किया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई और स्टेट दोनों ही जो यहाँ पे कॉर्पोरेट बैंक के ऊपर यहाँ पे रेगुलेशन लगाते हैं, तो ये ड्यूअल रेगुलेशन ये काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब कोऑपरेटिव बैंक का कुछ बेसिक डेफिनेशन आप जान सकते हैं, ये बेसिकली एक ऐसी फाइनेंशियल एंटिटी है जो बिलोंग करती है मेंबर्स को, और ये जो मेंबर्स है बेसिकली ओनर्स भी हो जाते हैं और कस्टमर्स भी हो जाते हैं बैंक के। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स हमारी इंडिया में देखने को मिलती है, वो अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत बनाए जाते हैं और रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के अंतर्गत बाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 और बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1955 के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होता है, 1 पर्सन 1 वोट होता है टू सेलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कॉपरेटिव बैंक्स का, किस तरीके से आपको अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स नजर आएंगे, रूरल नजर आएंगे, उसी के अंदर यहाँ पे आपको शेड्यूल यूसीबी, नॉन शेड्यूल्ड, फिर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो इस तरीके से जो है डिविजन आपको नजर आएगा कॉपरेटिव बैंक्स का। अब बात करते हैं तो डुअल कंट्रोल का जो प्रॉब्लम नजर आता है, ऑब्वियसली बात है कि जो डुअल कंट्रोल है बिटवीन स्टेट एंड आरबीआई ऑन कॉपरेटिव बैंक, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं कि जो लिमिटेशन यहाँ पे लग जाती है इसकी वजह से, कि जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होगा, रिमूव किसको करना है, ये सारे पावर्स जो यहाँ पे आरबीआई के हाथ में नहीं आती आसानी से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आरबीआई की जो रीसेंट रिपोर्ट थी, उसमें देखने को मिला है कि कमर्शियल सेक्टर में जो यहाँ पे फंड फ्लो हुआ था वो काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ है बाय 88%। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे फ्लो फंड का नजर आना चाहिए वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, और इसी वजह से जो है स्मॉल बिजनेसेस, ट्रेडर्स और जो फार्म सेक्टर्स है वो यहाँ पे सफर कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि जब से आपने हमें लिबरलाइजेशन किया हुआ 1991 के बाद से, हमारा जो इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि ज्यादातर जो डोमिनेंस है वो गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशंस के थे और हमारे पास एक स्ट्रांग सेंट्रल बैंक था। लेकिन वो जो यहाँ पे नेचर है वो इस वक्त चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जो इंटरनल केडार फॉर सुपरविजन बनाने की बात की है आरबीआई ने, ताकि ये जो है यहाँ पे इन सारी एंटिटीज के ऊपर यहाँ पे एक सुपरविजन रखे, ताकि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले ही जो है आरबीआई को यहाँ पे पता चल जाए। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग फोकस क्या कर रहे हैं इस वक्त, कि हमारे पास फ्यू लार्जर बैंक्स होने चाहिए जो लेंड करे, और उसी के साथ साथ जो है हमें कॉपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो है इन सब लोगों को यहाँ पे एनकरेज करना है। ऑब्वियसली बात है अकाउंटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, और उसी के लिए जो है हमने एज अ रेगुलेटर आरबीआई को लगाया है। लेकिन अगर वो फेल कर रहा है, अगर हमें रेगुलेशन में चेंजेस करने की जरूरत है, तो वो जो हमें इमीडिएटली एक्शंस लेने चाहिए। अगर हम बात करते हैं जो डुअल रेगुलेशन का प्रॉब्लम है, उसे काउंटर करने के लिए काफी सारे स्टेप्स हिस्टोरिकली भी हमने लिए हैं।
तो एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी, तो आर गांधी जी के हिसाब से जो कि डिप्टी गवर्नर थे आरबीआई के, तो उन्होंने यही बोला था कि यहाँ पे मर्जिंग एंड कन्वर्टिंग सम ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एक सोल्यूशन हो सकता है। उसके अलावा हम यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर लगा सकते हैं यूसीबीज के ऊपर यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, या फिर जो है यहाँ पे जिस तरीके से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में एलिजिबिलिटी मिलती है तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन मलेगाम कमेटी के जो रिकमेंडेशन है। इसीलिए आप एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं कि रीसेंट फाइनेंशियल सेक्टर स्कैम्स आर अ वार्निंग, आरबीआई मस्ट रेज इट्स गेम टू रिमेन अ स्टेप अहेड ऑफ एंटिटीज इन रेगुलेट्स। तो एक्सप्लेन, तो बेसिकली आप बोला जा रहा है जिन एंटिटीज को आरबीआई रेगुलेट करता है उनको ठीक तरीके से रेगुलेट करने के लिए जो है उन्हें उन एंटिटी से एक स्टेप, एक या दो स्टेप आगे रहना जरूरी है, वरना जो है काफी सारे फ्रॉड जो है आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है नेम द न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फाइनेंस फैमिली वेलफेयर टू प्रिवेंट द मैटरनल एंड न्यूबॉर्न डेथ्स। तो यहाँ पे आप चार ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी सुमन यानी कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसके अंतर्गत जो यहाँ पे जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल न्यूबॉर्न डेथ को यहाँ पे बेसिकली हैंडल करने की बात की जा रही है। इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन, मदर अप टू सिक्स मंथ ऑफ डिलीवरी और जो सिक न्यूबॉर्न यहाँ पे जो है उन सबको केटर किया जा रहा है, फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो जीरो टॉलरेंस दिखाया जाएगा डिनाइल ऑफ एनी सर्विसेज टू प्रेग्नेंट पेशेंट्स, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और स्कीम आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आयरन फॉलिक सप्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ें जो है इस स्कीम के अंतर्गत आएंगी। अगला आर्टिकल यहाँ पे इंडिया और टर्की के रिलेशनशिप से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली आपके जीएसटी से रिलेटेड है जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन आता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडिया ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था टर्की ने जो यहाँ पे रिसेंटली मिलिट्री ऑफेंसिव अटैक किया है सीरिया पे, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पाकिस्तान का की तरफ उन्होंने स्टैंड लिया था टर्की ने, तो उसके रिप्लाई में जो है हमने यहाँ पे स्टेटमेंट रिलीज किए, ऐसा इस आर्टिकल का मानना है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे दिल्ली ने डीप कंसर्न्स यहाँ पे एक्सप्रेस किए हैं जब यहाँ पे टर्की ने जो है सीरिया पे अटैक किया उसके नॉर्थ ईस्ट रीजन में जहाँ पे यूजुअली कुर्डिश पॉपुलेशन रहती है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि सेम इसराइल ने भी जो है कंडेम किया इस पूरे अटैक को। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये जो स्टेटमेंट दिया गया है दिल्ली के द्वारा वो इसलिए भी दिया गया है क्योंकि टर्की ने जो यहाँ पे क्रिटिकल स्टेटमेंट किए थे व्हेन इट कम्स टू कश्मीर के इशू पे, और इवन जब अगस्त 6 के में जब यहाँ पे आर्टिकल 370 को इनएफेक्टिव बनाया था तो प्रेसिडेंट ऑफ टर्की जो कि तायिप एर्दोगन है तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि दिस विल बेसिकली इंक्रीज द एग्जिस्टिंग टेंशंस। तो उसके बाद जो है इवन युंगा की जो मीटिंग थी वहाँ पे वो पहले ऐसे थे जिन्होंने जो है कश्मीर के इशू को वापस लेकर आए थे उस फोरम पे। तो इसी चीज़ को आप मद्देनजर रखते हुए जो है और टर्की की पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये स्टेटमेंट इस टाइम पर रिलीज किया गया है। अगर हम बात करते हैं इट इज़ अनयूजुअल फॉर इंडिया टू हिट आउट इन दिस मैनर, यूजुअली जो है हम यहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट रिलीज नहीं करते हैं वो भी उस कंट्री के लिए जो हमारा डायरेक्ट नेबर भी नहीं है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है इसका एक रीज़न यही है कि टर्की और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है और जिस तरीके से टर्की ने रिसेंटली जो है कश्मीर के इशू पे अलग अलग फोरम से बात की है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारा जो इस टाइम डिप्लोमेसी का जो पूरा मेथड या स्टाइल है वो है विथ अस और अगेंस्ट अस, बेसिकली अगर आप हमारे साथ नहीं है तो मतलब ये है कि आप हमारे खिलाफ है, तो ऐसी डिप्लोमेसी का हमने इस्तेमाल किया है इस वक्त जब हमने ये स्टेटमेंट पास किए हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल रहने वाला है क्योंकि अगर आप इस तरीके से एनालाइज करेंगे कि जो इंसान यहाँ पे पाकिस्तान के एक साथ बोल रहा है वो हमारा दुश्मन है और जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है वो हमारा दोस्त है, अगर इस तरीके से चलेंगे तो आने वाले फ्यूचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है फॉरेन रिलेशनशिप में। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम एक बहुत बड़ा पावर हाउस होते हैं इकोनॉमी का तो हम ऐसे स्टेप्स काफ़ी आसानी से ले सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी खुद की जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिक्लाइन होती हुई नज़र आ रही है। उसी के साथ साथ हमें जो है अलग अलग मल्टीलैटरल फोरम्स में जो है कंट्रीज़ के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो जजेस का सिलेक्शन हुआ था यहाँ पे इंटरनेशनल फोरम में तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल गया था। उसी तरीके से जो है फोरम से सपोर्ट पाना जो है हमारे लिए इस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे यहाँ पे एडहॉक स्टेटमेंट देना जो है आने वाले जो मल्टीलैटरल फोरम्स होंगे जहाँ पे हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे यूएन का एग्जांपल हो सकता है या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे जो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। और इवन हम यहाँ पे ऐसी डिप्लोमेसी नहीं चला सकते हैं जहाँ पे जो है पाकिस्तान लवर्स को हम यहाँ पे बेसिकली अवॉइड करें और पाकिस्तान जो बैशर्स है उनको हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे फ्रेंडली रिलेशन में ऐड कर दें, तो ऐसी डिप्लोमेसी इस टाइम पे हमें सूट नहीं करेगी ऐसा ऑथर का मानना है।
अगला क्वेश्चन है, बताइए विच कंट्री टॉप इन द पासपोर्ट इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय हेनली एंड पार्टनर्स ऑन अक्टूबर 9 2019। तो इस इंडेक्स के हिसाब से दो कंट्रीज ने पिछली टॉप किया, जापान और सिंगापुर। अगर इंडिया की रैंकिंग की बात करते हैं तो हमारी रैंकिंग 82nd आई है, तो वन प्लेस जो है हम यहाँ पे डाउन हो गए। पिछले साल 81 थी, इस बार जो है 82 आई है। अगर हम बात करते हैं इस रैंकिंग की, तो ग्लोबल यहाँ पे जो कंट्रीज हैं उनको रैंक किया जाता है बेस्ड ऑन ट्रैवल फ्रीडम, कि आप एक पासपोर्ट के साथ जो है बिना वीजा के कितने कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। बेसिकली इस पूरे इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इससे पता चलता है कि कितना स्ट्रेंथ है यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन का बिटवीन टू कंट्रीज। तो ये चीज यहाँ पे इस इंडेक्स के द्वारा पता चल जाती है, और ये बेसिकली इकलौता ऐसा इंडेक्स नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग इंडेक्स आते हैं पासपोर्ट की स्ट्रेंथ से रिलेटेड। अगला आर्टिकल बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड है, GS3 से रिलेट होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है किस तरीके से इकोनॉमिक स्लोडाउन जो हम देख रहे हैं वो स्ट्रक्चरल है, साइक्लिकल नहीं है, और कौन कौन से बॉटलनेक्स है और कौन कौन से लॉन्ग टर्म विजन रिफॉर्म्स है जो हमें करने चाहिए। अब सबसे बड़ा हिस्टोरिकल डिपेंड इकोनॉमिक स्लोडाउन से ये होता है कि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस करें क्या ये साइक्लिकल है या स्लोडाउन या स्ट्रक्चरल है। साइक्लिकल का मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस साइकिल में आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों ही देखने को मिलेगा। बेसिकली ऐसे कर्व्स होंगे जहाँ पे जो है लॉस भी होंगे प्रॉफिट भी होंगे। तो यहाँ पे अगर हम एनालाइज करते हैं तो अगर ये स्ट्रक्चर होता तो ये शॉर्ट टर्म के लिए इकोनॉमिक स्लोडाउन होता और अब तक हम उससे उभर पाते, लेकिन क्योंकि हम उभर नहीं पा रहे हैं तो ये ऑब्वियसली जो है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। जैसे कि यहाँ पे जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है, यहाँ पे इनकम नहीं बढ़ रही है, तो इसी वजह से जो है एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो इकोनॉमिक स्लोडाउन को यहाँ पे जो है कॉज कर रहा है। अब बात करते हैं कुछ क्लूज की जो ये बताता है कि जो स्लोडाउन हम फेस कर रहे हैं ये स्ट्रक्चरल इन नेचर है। जो कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं कि 2014 से 17 के बीच में जो है गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्पेंडिंग की, मतलब यहाँ पे उनके पास इतना पैसा था कि वो स्पेंड कर सके। अब उनके पास इतना ज़्यादा पैसा कैसे आया गवर्नमेंट के पास अचानक से, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑयल के प्राइसेस इस टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा कम थे 2014 से 16 के बीच में। जो विंडफॉल रेवेन्यू गेन हुआ कंट्री को हमारी, तो वो था $75 बिलियन। तो इतने ज़्यादा पैसा का जो यहाँ पे उन्होंने स्पेंडिंग करना शुरू किया, बहुत सारी स्कीम्स को यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया, क्योंकि तब जो ऑयल के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम थे, तो इसी वजह से जो है इस पैसों का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब जो है ऑयल प्राइसेस फिर से रिवर्ट बैक हो चुके हैं, तो अब जो है गवर्नमेंट को अपने जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर से उन्हें रिड्यूस करना पड़ रहा है। तो बेसिकली जो हम स्लोडाउन देख रहे हैं वो बेसिकली स्ट्रक्चरल इन रीजन है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिमांड जो है इंक्रीज नहीं हुआ इवन दो जो है मॉनिटरी पॉलिसी ने चेंजेस किए हैं, तो ये एक और एग्जाम्पल है, क्लू बताता है कि ये जो स्लोडाउन हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरल नेचर है। पहले ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो यही कंप्लेन कर रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो है कट रेपो रेट को कट नहीं कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं फरवरी के महीने से जो है इतना ज़्यादा हमने रेपो रेट पे कट दिया है, उसके बावजूद जो है इन्वेस्टमेंट कुछ खास बढ़ा नहीं है। तो इससे ये बात हमें समझ में आ गई है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे ना सिर्फ हम बात कर रहे हैं NPEs की, हाई रियल इंटरेस्ट रेट की, और भी बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पे जो है हैंडल करना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। गुड न्यूज़ ये कि इसको हैंडल करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे जो है रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स है जिसमें पॉलिटिकल विल की ज़रूरत पड़ेगी, जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे इस रिफॉर्म से रिलेटेड। यहाँ पे कुछ लेबर रॉम्स यहाँ पे और कुछ लैंड रिफॉर्म जो है यहाँ पे करने पड़ेंगे, उसके लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट की भी हेल्प ज़रूरत पड़ेगी। उसमें जो पहला स्टेप है वो है कॉर्पोरेट टैक्स रेट पर जो कट दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है जिसके अंतर्गत जो है एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट और जो हम यहाँ पे प्रॉफिट जो आता है कंपनीज को उसे उनके हाथों में ज्यादा बढ़ा दिया है। उसी के अलावा यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में देखने को मिलता है इस वक्त, उसे थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट ज्यादातर डिसीजन लेता है जो कि एक नॉन मार्केट फोर्स की तरह वर्क करता है। उसी के तरीके से RBI वैसे गवर्नमेंट के अंदर ही काम करता है, लेकिन RBI जिन बैंक्स को होल्ड कर रहा है वो भी गवर्नमेंट के ही है, तो कहीं ना कहीं जो है RBI उन एंटिटीज को हैंडल कर रहा है जो बिलोंग करता है उन्हीं के मास्टर्स को, तो ये एक थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन बन जाती है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक से इस वक्त उन्हें प्राइवेटाइज करना एक काफी अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है इस टाइम पे। अब बात करते हैं कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन आइडियाज के बारे में। तो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आइडिया जो कि बजट में रखा गया था जुलाई के महीने में, वो था सॉवरेन बॉन्ड। सॉवरेन बॉन्ड का मतलब बेसिकली एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, एक उधार देने का तरीका है। तो ये जो बॉन्ड्स आप समझते हैं, अगर आपके पास बॉन्ड है तो मतलब ये है कि एक इंस्टीट्यूशन जो है आपको किसी भी टाइम पे जो है पैसे देने वाला है आफ्टर द मेच्योरिटी पीरियड, और यही बॉन्ड्स अगर यहाँ पे गवर्नमेंट इशू करता है तो उसे सॉवरेन बॉन्ड कहा जाता है। अब ये जो सॉवरेन बॉन्ड है इसके अंतर्गत जो है हम काफी सारा पैसा उधार में ले सकते हैं फ्रॉम दी वर्ल्ड, मतलब इंडिया को छोड़ के हम बाहर से भी जो है एक्सटर्नल बोरोइंग कर सकते हैं सॉवरेन बॉन्ड का इस्तेमाल करके। अब इससे फायदा क्या है, जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी आसानी से हमें मिल सकता है, लेकिन इसके कुछ यहाँ पे डिफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए काफी इकोनॉमी अक्रॉस द वर्ल्ड खराब हो जाती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारी कंट्री पे भी नजर आएगा।
अगला आर्टिकल जो है बेसिकली अनसिविक नेशनलिज्म से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं कि सिविक नेशनलिज्म का मतलब होता क्या है। तो ये बेसिकली पॉलिटिकल फिलोसफर के हिसाब से एक इस तरीके के बेसिकली नेशनलिज्म है जिसके अंतर्गत हम लिबरल वैल्यूज और फ्रीडम, टॉलरेंस, इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट, इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो बेसिकली एक लिबरल नेशनलिज्म की तरह आप देख सकते हैं कि लिबरल तरीके से जो है हम यहाँ पे एक नेशन की बात कर रहे हैं। ये जो तरीका है बेसिकली यहाँ पे गांधी और टैगोर जी के द्वारा भी दिया गया था, जहाँ पे हम प्लूरिस्टिक जो यहाँ पे व्यूज है, आइडियाज है, उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी हमारा पावर है और जो प्लूरिस्टिक आइडियाज है उन सबको एक साथ लेकर चलना ही जो है यहाँ पे हिस्टोरिकली हमने माना था। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो पूरा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम वन नेशन की बात करते हैं, वो कम्प्लीटली आइडियोलॉजी जो है हाईजैक होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे हमारा नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा नैरो हो गया है, जहाँ पे हमें लगता है कि नेशनलिज्म ये है कि अगर आप अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को हेट करते हो तभी जो है नेशनलिज्म आप दिखा सकते हो। ये काफ़ी गलत स्टेटमेंट है। और इवन यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे नाइब बेवान, जिन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया था ड्यूरिंग अर्लियर टाइम्स। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसी कंट्री कभी नहीं देखी जहाँ पे जो है ऐसी कंट्री जो बेसिकली लव करता है हेट करने को, मतलब वो हेट करना ही जो उसको पसंद है। तो ऐसी कंट्री का जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली इंडिया पे भी आ सकता है आने वाले टाइम में, अगर हम अपने नेशनलिज्म को जो फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ हम समझते हैं कि अगर आप आसपास की कंट्रीज को अगर हेट करते तो यही नेशनलिज्म है, तो ये थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट रहेगा। अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश टाइम से ही जो है हम यहाँ पे रिलीजन बेस्ड नेशनलिज्म हम देख रहे हैं, जो कि प्रोपोगेट किया गया था जिन्ना के द्वारा, जिसको कंप्लीट अपोज किया गया था गांधी जी के द्वारा। और सेम चीज़ यहाँ पे उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया था कि फ्री इंडिया विल नॉट बी अ हिंदू राज, इट विल बी एन इंडियन राज बेस्ड नॉट ऑन मेजॉरिटी ऑफ एनी रिलीजन, सेक्ट और कम्युनिटी। मतलब जो यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे जो जिस तरीके की डेमोक्रेसी रहने वाली है वो किसी भी रिलीजन, कम्युनिटी या फिर किसी भी मेजॉरिटी से रिलेटेड नहीं होने वाला है। यहाँ पे हर यहाँ पे जो नागरिक है उसकी बातों को सुना जाएगा। अब यहाँ पे आप जानते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे गांधी और टैगोर दोनों ही यहाँ पे नहीं थे, तब जो है यहाँ पे नेहरू और अम्बेडकर जी के मतलब कंधों पे था कि ये जो है इस लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को जो है फॉलो करवा सके। और सेम चीज़ को आप देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा काफ़ी ज़्यादा सेक्युलर है, भले ही इंप्लीमेंट करने में हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त नज़र आ रही है। अगर हम बात करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि क्रिश्चियन नेशनलिज्म नज़र आ रहा है पोलैंड और हंगरी में, उसी तरीके से क्रिश्चियन नेशनलिज्म नज़र आ रहा है यूएस में, इस्लामिक नेशनलिज्म नज़र आ रहा है टर्की और इंडोनेशिया में। तो ये जो चेंजेस हैं ना सिर्फ इंडिया में हो रहे हैं, इवन अक्रॉस द वर्ल्ड जो है आपको एक तरफ टिल्ट होता हुआ नेशनलिज्म नज़र आ रहा है। अगला आर्टिकल बेसिकली मोब लिंचिंग से रिलेटेड है। यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि लिंचिंग एज अ वर्ड जो है इंडियन लैंग्वेज में आपको नजर नहीं आएगा। एक वर्ड जो काफ़ी सिमिलर है वो है हत्या, लेकिन उसका भी मतलब जो है लिंचिंग से नहीं होता है। मोब लिंचिंग जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं, उसमें आपको पता है कि किस तरीके से एक मोब जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल यहाँ पे जो है वर्डिक्ट दे रहा है, मतलब आप कोर्ट के पास नहीं जा रहे हैं यहाँ पे जो है इंसाफ लेने, इंस्टेड आप खुद अपना इंसाफ कर रहे हैं एक बड़ा सा यहाँ पे जो है झुंड लेकर आके। अब यहाँ पे जो रिसेंट स्टेटमेंट जिस वजह से आर्टिकल आया है वो ये है कि आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत, उन्होंने ये बोला है कि लिंचिंग इज नॉट एन इंडियन वर्ड और इसका कोई बेसिकली जो है रीजनल वर्ड भी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर बात करते हैं हिस्टोरिकली, तो यहाँ पे जो अफ्रीका और अमेरिकन पीपल के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुआ करती थी उस टाइम से ही जो है यहाँ पे आपको लिंचिंग केसेस नजर आएंगे, जहाँ पे पब्लिक में ही जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर्स देखने को मिले थे अफ्रीकन अमेरिकन पीपल के। अब इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेडिशन चार्जेस हो सकते हैं, स्लेवरी या फिर अटेम्प्ट टू फ्री फ्रॉम दी स्लेवरी, इन सारे रीज़न की वजह से जो यहाँ पे हो सकता है। ये जो लिंच वर्ड आया बेसिकली लिंच लॉ से आया है, जो कि बेसिकली बनाया गया था चार्ल्स और विलियम लिंच के द्वारा, जिसका मतलब होता है एग्जीक्यूशन विदाउट ट्रायल। तो इसी से जो ये पूरा वर्ड यहाँ पे डिराइव किया गया है। अगला एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे अरे के पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुंबईकर्स यहाँ पे जो है प्रेसिडेंस ले सकते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का, जो कि मेट्रो से आने वाला है। अब इसको थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं कि आपको पता है कि जो पूरे अरे डिपोर्ट का जो इशू है उसमें दो डिविजन आपको नजर आएंगे। एक वो सिटीजन्स है जिनका ये मानना है कि जो मुंबई है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है, और ये जो पोल्यूशन है ये मुंबईकर्स के जो लोग हैं उनकी हेल्थ को अफेक्ट करने वाला है। अब ये जो पोल्यूशन इसे रिड्यूस किया जा सकता है अगर हमारे पास जो है एक रॉबस्ट इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो व्हीकुलर ट्रांसपोर्टेशन में जो पोल्यूशन आ रहा है कार से, बाइक से, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने वाला है। तो ये जो है अगर हम मेट्रो को बना देते हैं तो व्हीकुलर जो यहाँ पे हार्म होता है वो रिड्यूस किया जा सकता है। अदर साइड ऑफ जो यहाँ पे सिटीजन जो यहाँ पे वॉइस रेज कर रहे हैं वो ये है कि ये मेट्रो बनाने के लिए जो आप जो ट्री गिरा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत है, ये एनवायरनमेंट के खिलाफ है। ऑलरेडी सिटी में ग्रीन कवर कम है, उसे और रिड्यूस कर रहे हैं मेट्रो को बनाने के चक्कर में। तो ये दो सिटीजन आपको नजर आएंगे। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल की, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट
में अगर हम बात करते हैं दोनों ही सिटीजन जो कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेट्रो बनाना चाहिए ताकि जो है व्हीकल पोल्यूशन यहाँ पे रिड्यूस हो सके और लोगों की हेल्थ ठीक हो सके, और जो दूसरे सिटीजन है जिन्होंने बोला है कि मेट्रो बनाने के लिए आप ट्री को नहीं काट सकते, दोनों ही सिटीजन जो है लॉजिकली सही हैं और दोनों ही जो है एनवायरमेंटली कॉन्शियस है, दोनों ही जो है एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट इंपॉर्टेंट है या लॉन्ग टर्म। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ऑथर का मानना है कि जो यहाँ पे मुंबई मेट्रो लाइन 3 जो है इसके अंतर्गत 17 लाख पैसेंजर जो है एवरी डे यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो इस वक्त रोड पे कार और बाइक चला रहे हैं उसमें 6.5 लाख जो है अब यहाँ पे मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। इससे ऑलमोस्ट 2.61 लाख टन ऑफ जो CO2 पोल्यूशन होना ही वाला था हर साल वो अब रिड्यूस हो जाएगा। और अगर इस ये 2.61 लाख टन ऑफ CO2 सिर्फ एब्जॉर्ब करना होता ट्रीज के द्वारा तो हमें मुंबई में 2 करोड़ ट्रीज की जरूरत होती, और इतना तो एरिया भी नहीं है मुंबई में। तो वही बताया जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ पोल्यूशन रिड्यूस किया जाएगा मेट्रो को लाने से उसको अब्जॉर्प्शन जो है इस वक्त नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखने की बात की जा रही है यहाँ पे ऑथर के द्वारा। उसी तरीके से बताया जा रहा है कि जो टेम्पररी स्ट्रेन यहाँ पे देखने को मिलेगा एनवायरमेंट पे क्योंकि हम यहाँ पे 2000 ट्रीज को कट कर रहे हैं अरे मिल कॉलोनी में, तो वो भी इसलिए जो है एडजस्ट किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे हम जो व्हीकल पोल्यूशन है वो भी रिड्यूस कर रहे हैं, ये भी इसलिए ऑथर का मानना है। अगली बात करते हैं एक्सपेन पेज की। यहाँ पे जो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक रिपोर्ट रिलीज की है, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट। तो इसमें ये बताया गया है कि ऑलमोस्ट 2.2 बिलियन पीपल जो है यहाँ पे आई कंडीशन जो है यहाँ पे फेस कर रहे हैं, मतलब उनको कोई ना कोई आई इंपेयरमेंट या फिर विजन इंपेयरमेंट है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, मायोपिया हो सकता है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, उसमें हाईएस्ट आपको मायोपिया के केसेस नजर आएंगे। उसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 1 बिलियन ऐसे केसेस जिसको यहाँ पे रिजॉल्व किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन वो जो है अनएड्रेस्ड है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि अनएड्रेस्ड रिफ्रैक्टिव एरर हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है, इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो वही चीज़ इस रिपोर्ट में बताई गई है। अगला आर्टिकल यहाँ पे साइनाइड के बारे में आया हुआ है। तो रिसेंट कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंटली केरला में जो है एक वुमेन को अरेस्ट किया गया जिन्होंने जो है अपने हस्बैंड को, पेरेंट इन लॉ को और बहुत सारे अपनी फैमिली जो मेंबर्स है उनको ओवर द एक्सटेंट ऑफ 14 ईयर्स जो है उनको किल किया है यूजिंग साइनाइड। अब इस औरत के पास साइनाइड आया कैसे, तो साइनाइड का इस्तेमाल जो यहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग और जो यहाँ पे फिनिशिंग ऑफ गोल्ड जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो जो गोल्ड इंडस्ट्री है, ज्वेलरी का इंडस्ट्री जो है, वो लोग साइनाइड को यहाँ पे रखते हैं अपने प्रोफेशन के लिए। तो वहाँ से जो है इन्होंने साइनाइड को यहाँ पे हासिल किया और उसी का इस्तेमाल करके जो है बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे उन्होंने किल किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से लॉ है जो मॉनिटर करते हैं साइनाइड के यूज़ को इन केरला, तो यहाँ पे द केरला पॉइजन रूल 1996 जो है ये वर्क करता है। इसके अंतर्गत यहाँ पे किसी भी तरीके का पोजेशन ऑफ और सेल ऑफ पॉइजन जो है इसके अंतर्गत आ जाता है, उसी में स्टॉक पाइलिंग ऑफ साइनाइड जो है इसमें आ जाता है। इसके अंतर्गत आप 250 से 500 ग्राम साइनाइड ही आप रख सकते हैं, और जो लीगल सोर्स अगर आपको चाहिए यहाँ पे साइनाइड तो आपको एक मुंबई बेस्ड एजेंसी जो है आपको अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आपको ये प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इसलिए इसके स्मगलिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इस और एक सब इंस्पेक्टर जो है सो मोटो यहाँ पे ऐसे इलीगल ट्रेड को रोक सकता है अगर साइनाइड का अगर होता है तो। 2002 का एक इंसिडेंस बताया गया जिसके अंतर्गत जो है ऑलमोस्ट 250 kg ऑफ केमिकल जो यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा था इसको पकड़ा गया था क्योंकि रूल्स के हिसाब से सिर्फ पेनाल्टी 250 रुपीज़ की लगती थी, तो उसे लीवी करके इसे बंदे को छोड़ दिया गया था। लेकिन ऑब्वियसली बात है ये सारा जो यहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया से पूरा कंसाइनमेंट आया था कोईकोड में। अब बात करते हैं कि केरला ने क्या प्रपोज किया है। अभी यहाँ पे एक नया अमेंडमेंट और रूल आया है जिसके अंतर्गत जो है एसिड अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उन सब चीज़ों को जो है इस रूल के अंदर रखा गया है अंडर केरला पॉइजन रूल्स। अभी जो साइनाइड का जो यहाँ पे स्टॉक पाइलिंग के केसेस बढ़ रहे हैं उसको भी जो है इस रूल के अंदर रखने की बात की गई है। अगला आर्टिकल नोबेल प्राइज फॉर पीस के बारे में आया हुआ है। तो ये जो नोबेल प्राइज दिया गया है बेसिकली अबै अहमद अली जी को दिया गया है। अब यहाँ पे उनके बारे में आप देख सकते हैं ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर है इथियोपिया के, और ये बेसिकली 2018 में जो है इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे और उन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रैटेजिक स्टेप्स लिए थे यहाँ पे पीस बनाने के लिए बिटवीन इथियोपिया और एरिट्रिया। सबसे पहले इनकी लोकेशन देख लीजिए, आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोनों ही कंट्री नजर आएगी, ये रहा इथियोपिया जिसकी कैपिटल है अदिस अबाबा, यहाँ पे ऊपर आपको एरिट्रिया नजर आएगा। तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो है काफी टाइम से यहाँ पे वॉर चल रहा था, पहले ये एक ही कंट्री हुआ करता था फिर से डिवाइड कर दिया गया, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉर वाली सिचुएशन शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे पीस के लिए जो है सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इथियोपिया के, तो उन्होंने सबसे पहला यहाँ पे बेसिकली
उन्होंने यहाँ पे शुरू किया सामने वाले प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करना। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो यहाँ पे इन्होंने नेगोशिएशन करना शुरू किया, बहुत सारे पीस अग्रीमेंट को यहाँ पे साइन किया गया जिसके अंतर्गत धीरे धीरे ट्रेड होना शुरू किया, यहाँ पे लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं जो पीस लेकर आया गया था तो ये काफ़ी रेडिकल था और इसी वजह से इनको पीस के लिए जो यहाँ पे प्राइस दिया गया है। कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ पे कुछ और लोगों को सेलेक्ट किया जा सकता है नोबेल प्राइज़ के लिए और काफ़ी जल्दबाजी में ये बेसिकली नोबेल प्राइज़ दिया गया, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन यहाँ पे नोबेल प्राइज़ कमेटी जो है उन्होंने यही बोला है कि यहाँ पे जब भी हम पीस की बात करते हैं इट कम्स फ्रॉम डज नॉट कम फ्रॉम एक्शन ऑफ वन पार्टी अलोन। जब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अबे ने यहाँ पे रीच आउट किया था अपने हैंड के साथ, तभी जो है सामने वाली कंट्री से जो यहाँ पे इरिट्रिया के प्रेसिडेंट थे यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे तुरंत उसे ग्रास्प किया। तो ये यूजुअली जो है बाकी कंट्रीज में नजर नहीं आता है। तो ये डील जो क्रैक हुई थी काफी इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट पीस डील थी, इसी वजह से नोबेल प्राइज दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया को। अगला आर्टिकल यहाँ पे दिल्ली की जो डिप्लोमेसी है डिजास्टर को फाइट करने के लिए, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सो जो CDRI है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली जो यूंगा की मीटिंग हुई थी वहाँ पे भी जो है इसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि वो इन्वाइट कर रहे हैं बाकी कंट्रीज को ताकि वो इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सके। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में जितने भी यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन यहाँ पे और या फिर मान लीजिए यहाँ पे सुनामी जो आता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमने काफ़ी सारे स्टेप लिए हैं। तो ह्यूमन का यहाँ पे कोई भी डैमेज जो है उसे रिड्यूस करने के लिए काफ़ी हमने स्टेप्स लिए हुए हैं, लेकिन अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। एक एग्जांपल आप देख सकते हैं साइक्लोन फानी जब आया था तो उस टाइम पे हमने ह्यूमंस को काफ़ी आसानी से हमने यहाँ पे रिलोकेट कर लिया, बचा लिया था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है हाईवे, रेलवेज, पावर स्टेशन, कम्युनिकेशन लाइन्स, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे इफेक्ट हो जाती है। और यहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन जो है उससे पहले हम कोशिश कर रहे हैं जो कि संडे को है उससे पहले हम यहाँ पे एक विजिट कर रहे हैं किस तरीके से जो है हमारी कंट्री में हम डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि संडे फ्रेमवर्क के हिसाब से जो है रिस्क रिडक्शन करने में ही जो है ऑलमोस्ट $1 अगर स्पेंड करते हैं तो उससे हमें $7 गेन होने वाला है। और इसी के साथ साथ हमने देखा है कि इंडिया ने जो है जीरो कैशुअल्टी अप्रोच यूज़ किया हर केस में, जहाँ पे भी हम यहाँ पे डिजास्टर से डेथ देखते हैं उसमें हमने काफ़ी सारे स्टेप लिए हैं और सेम चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन के द्वारा कि हम लोग जो है जीरो कैशुअल्टी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्या ज़रूरत है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि ह्यूमन कैशुअल्टी को तो हम यहाँ पे अवॉइड कर पा रहे हैं एज अ कंट्री, लेकिन जो इकोनॉमिक कॉस्ट आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होता है। तो क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, यहाँ पे रोड्स बनाए हैं, अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है जब यहाँ पे डिजास्टर चला जाएगा तो अगर लोगों को जरूरत पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कहाँ से आएंगे। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे साइक्लोन फानी को एनालिसिस किया था, उसके बाद उन्हें पता चला कि साइक्लोन फानी के आने के बाद ऑलमोस्ट $4 बिलियन का जो है यहाँ पे इकोनॉमिक डैमेज हुआ है। उसी तरीके से केरला फ्लड्स की बात करते तो $4.4 बिलियन यहाँ पे डॉलर का डैमेज देखने को मिला है। उसी तरीके से 10 क्लाइमेट चेंज का जो डिजास्टर आपको यूएस में देखने को मिलेंगे उसके जो लॉस थे वो एक्सीड कर गए $1 बिलियन फॉर यूएस। अब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, उस टाइम पे अगर डिजास्टर आते हैं तो ऑब्वियसली बात है डैमेज ज्यादा होता है। अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं तो उन्होंने जो यहाँ पे ब्रिजेस डैम्स बनाए हैं उनकी एज यहाँ पे हो चुकी है, वो वापस उसे रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो उसमें जो यहाँ पे किस तरीके से डिजास्टर प्रूफिंग का जो प्रोजेक्ट है वो इन्वॉल्व कर सकते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ये इंटरनेशनल लेवल पे क्यों इसे लेकर आया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो ट्रांसमिशन लाइन्स है वो शायद एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जा सकते हैं। हमारे जो यहाँ पे ट्रेन जा रही हैं वो ट्रांसनेशनल होती जा रही है, हम यहाँ पे ट्रांसकॉन्टिनेंटल हाईवे चला रहे हैं, तो इसी वजह से जो है इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे प्रोजेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसी वजह से यहाँ पे जो इनिशिएटिव है काफ़ी ज़्यादा माना गया है और उसी के साथ साथ हम ना सिर्फ कंट्रीज़ को इनवाइट कर रहे हैं बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को भी इनवाइट किया है, जैसे कि यूएन की बॉडी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, बाकी ग्रुप्स, डिजास्टर मैनेजमेंट की जितनी टीम्स होती हैं वो सारी भी जो यहाँ पे इस स्पेशली इनिशिएटिव को ज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन बार बार किया जाता है मीडिया में वो है ये कि CDRI को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ कंपेयर किया जाता है जो कि काफ़ी गलत है, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में क्या हो रहा है, ये चाइना का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत जो है वो एंशियंट सिल्क रूट यहाँ पे जो है उसे कनेक्ट कर रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे बाकी कंट्रीज में चाइना स्ट्रैटेजिक असेट्स को बना रहा है ताकि आने वाले फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके। लेकिन ये जो CDRI के अंदर हम जो कोशिश कर रहे हैं वो बेसिकली ये है कि हम जो है एक नॉलेज सोर्स बनाएं जहाँ पे लोग अपने बेस्ट प्रैक्टिस को रखें जिसको जो है यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज अडॉप्ट कर सकता है। ऑब्वियसली बात है जब भी कोई ऐसा इनिशिएटिव आता है BRI या CDRI जैसा, इसके पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजिक या डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन हमारा जो CDRI का ऑब्जेक्टिव वो काफ़ी ज़्यादा जो है कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए है, इवन बेस्ट प्रैक्टिस को शेयर करने के लिए है, और जितने भी यहाँ पे केपेबल लीडर्स है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक साथ सामने है, यही इसका इनिशिएटिव है।
एक और काफी फेयर यहाँ पे जो बेसिकली कंपैरिजन है वो बेसिकली हो सकता है सीडीआरआई और सोलर अलायंस के बीच में। आपको बताया कि पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट के अंतर्गत जो है हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को यहाँ पे लॉन्च किया था और बहुत सारी कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, ऑलमोस्ट 50 कंट्रीज ने इसको बेसिकली साइन अप किया है। अब यहाँ पे आप जानते हैं इसके अंतर्गत हम यहाँ पे सोलर एनर्जी जनरेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब इससे फायदा क्या है, हम जो क्लाइमेट चेंज है उसे यहाँ पे रिड्यूस करने की कोशिश की कर रहे हैं, लेकिन ये जो सीडीआरआई का प्रोग्राम है इससे हम अडेप्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हम डिजास्टर्स हो रहे हैं उन्हें कैसे हैंडल करना है, ये सीडीआरआई के अंतर्गत है। तो ये बेसिकली आप एक लिंक देख सकते हैं सीडीआरआई और आईएसए के बीच में, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच में। और ये जो सीडीआरआई है इसका हेडक्वार्टर भी आपको बेसिकली न्यू दिल्ली में ही बनता हुआ नजर आएगा। अगले जो दो क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, पहला क्वेश्चन है कि बताइए मंगोलिया की कैपिटल और करेंसी क्या है, और अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट विल यू फाइंड सरदार सरोवर डैम। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।